बहुचर्चित भागवत कथा वाचक ललिता चंद शास्त्री द्वारा महिला भक्त के साथ बलात्कार करने के मामले में 20 दिन गुजर जाने के बाद भी फरीदाबाद पुलिस आरोपी ढोंगी बाबा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं इन दिनों में आरोपी ने पीड़ित महिला को फोन करके धमकी भी दी है कि अगर उसने केस वापस नहीं लिया तो वो उसके घर के सामने आकर आत्महत्या करेगा। इतना ही नहीं, समझौता करने का दबाव बना रहे ढोंगी बाबा ने अपने वकील को भी पीड़ित महिला के पास केस वापस लेने का पैगाम भी भेजा है, जिसकी सूचना पीड़ित महिला पुलिस को भी दे चुकी है। उसके बाद भी अभी तक पुलिस बलात्कार आरोपी ढोंगी बाबा को पकड़ने में नाकाम रहा है। नहीं, अभी तो कोई मामला सामने नहीं आया। मुझे 18-19 दिन हो गए FIR कराए हुए। मैडम भी उनकी तहकीकात कर रही है, लेकिन वो फरार है, पता नहीं। अभी तो कोई न्याय नहीं मिला मुझे। हाँ, आरोपी की तरफ से एक वकील आया था मेरे पास, जीत नाम का। वो मुझसे कह रहा है कि आप समझौता कर लो, ये कर लो, और उसी से, उस वकील से उसका कांटेक्ट होता रहता है। और उसने, वकील ने बताया भी था कि मैं पुलिस में भी मिला हूँ, मैडम से भी मिला हूँ, और उसको पता भी है वो कहाँ पर है, उसका, उसके पास नंबर भी है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई मैं तो वकील हूँ, मैं उसे पकड़वा नहीं सकता, लेकिन उन लोगों को पता है वो कहाँ पर है। हाँ, मैंने मैडम को भी बताई थी, मैडम को नंबर भी दिया। एक बार मेरे पास उसने, ब्यास ने फ़ोन भी किया था कि मैं तेरे घर के आगे आके मरूंगा। मैंने वो नंबर भी मैडम को दे दिया। और बीच में भी उसने एक बार, उसने वकील के नंबर से भी फ़ोन किया था, तो वो यही बात बोल रहा था।